हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद, अ चिप लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड आई एस ओ 9001 to 2015। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारे पास एक रियलमी 6 हैंडसेट है, जिसमें प्रॉब्लम यह है फ्रेंड्स, इसमें लाइट नहीं आ रही है, जो कि बैक लाइट होती है, बैक लाइट का इशू है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको हैंडसेट ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडसेट हमारा ऑन हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वापस से मैं इसे ऑन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी की स्विचिंग जैसा कि ऑन हो चुका है, और यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं आप रियलमी लिख कर आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें ग्राफिक तो आ रहा है बट बैकलाइट नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके बताते हैं कि कैसे आपको बनाना है। चूँकि फ्रेंड्स, रियलमी 6 का डायग्राम शायद ही आपको कहीं पर मिल जाए, क्योंकि इसका डायग्राम भी प्रॉपर तरीके से कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आज फोन फिक्स हैदराबाद की टीम में आपको इसका एक डायरेक्ट सोल्यूशन बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कि इसका लाइट सेक्शन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डायोड है, यहाँ पे ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुका है। और इसके पास आप यहाँ पे देख सकते हैं डायोड के आउटपुट में यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रही है, जो कि लोड कैप के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे हम आपको प्रॉपर चेक करके बता देते हैं फ्रेंड्स के इस हैंडसेट में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको डायोड जो है इसका डैमेज दिख रहा है आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हाई वोल्टेज की लाइन होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे वाटर डैमेज के कारण ये लाइन में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है एनोड की सप्लाई में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायोड है ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। तो सबसे पहले ये डायोड को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और इसके बाद आपको बताते हैं कि आगे आपको किस तरह से यहाँ पे चेक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम डायोड को रिमूव कर लेते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा डायोड होता है। इसके बाद हम जो लोड कैब है उसे भी चेक करके बताते हैं यहाँ पे किस साइड में शॉर्टिंग आ रही है। तो डायोड के आपने देखा कैथोड साइड में हमको शॉर्टिंग मिल रही थी, और एनोड साइड में यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो डायोड रिमूव करने के बाद फिर से वापस से एक बार कूल टेस्टिंग करते हैं, और कूल टेस्टिंग करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डायोड के एनोड साइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ पे जीआर मिल रहा है, और कैथोड साइड में अभी भी यहाँ पे बजर आ रहा है, बीप मिल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बूस्ट कॉइल होता है लाइट का, लाइट सेक्शन में, ये भी यहाँ पे डैमेज होके पड़ा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये डैमेज लग रहा है ऊपर से। और यहाँ पे लाइट सेक्शन की एनोड लाइन में जो लोड कैब होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बजर मिल रही है, यानी अभी भी ये लाइन शॉर्ट है। तो यहाँ पर एक बार हम इस लोड कैब को रिमूव करते हैं, और रिमूव करके चेक करते हैं कि यहाँ पर एनोड लाइन में शॉर्टिंग कहाँ से है। हो सकता है फ्रेंड्स, डिस्प्ले कनेक्टर के पास भी एक आध कैप मिल जाता है आपको, हो सकता है वो भी उनमें से कोई एक कैप शॉर्ट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो लोड कैप हमने यहाँ से रिमूव किया है ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस कैप को चेक कर लेते हैं कि ये कैप शॉर्ट है या फिर कोई और एनोड की सप्लाई में कोई और शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं एक बार, बजर में दोनों प्रोब्स को लगा के चेक कर लेता हूँ एक बार। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैप हमारा फुल शॉर्ट हो चुका है, और यहाँ पे ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो चुका है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। हो सकता है इसी की वजह से एनोड की जो सप्लाई है उसमें हमको शॉर्टिंग मिल रही थी। तो चलिए यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी शॉर्टिंग यहाँ से निकल चुकी है क्या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीमीटर एक बार फिर से मैं ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे वापस से हम कूल टेस्टिंग करेंगे और देखते हैं कि एनोड की सप्लाई में जो आउटपुट की लाइन है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारी शॉर्टिंग यहाँ से रिमूव हो चुकी है, और यहाँ से हम डिस्प्ले कनेक्टर तक, ये जो लोड कैप है यहाँ से डिस्प्ले कनेक्टर तक चेक कर लेते हैं कि हमारी ट्रैक सही है कि नहीं है, क्योंकि हाई वोल्टेज की लाइन होने के कारण वाटर डैमेज वगैरह से सेट ट्रैक ब्रेक हो जाती है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक नंबर पिन जो है Realme 6 में एक नंबर पिन इसकी एनोड की सप्लाई है। जैसे कि यहाँ पे ट्रैक हमारी ओके है, लोड कैप से डिस्प्ले कनेक्टर तक ट्रैक हमारी ओके है। तो यहाँ पे फ्रेंड जो शॉर्टिंग हमको मिली यहाँ पे लोड कैप की वजह से हमको यहाँ पे शॉर्टिंग मिली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो बूस्ट कॉइल है ये भी यहाँ पे डैमेज लग रहा है। तो चलिए इसे भी बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे चेक करने के लिए जगह भी नहीं है, तो स्पेस ना होने के कारण हम इसे बाहर निकाल के प्रॉपर चेक करते हैं कि हमारा ये कॉइल जो है प्रॉपर सही है या ओपन हो चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स कॉइल ज़्यादातर आपका ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि ये सीरीज़ में लगा होता है लाइट सेक्शन में, तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देख सकते हैं आप बूस्ट कॉइल जो कि लाइट सेक्शन में लगता है, जहाँ पे इसका एक सिरा स्विचिंग की लाइन में लगा होता है और दूसरा सिरा VPS लाइन में। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं आप कोई बजर का साउंड नहीं आ रहा है और ये जो हमारा कॉइल है ये ओपन हो चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मैं बीप बजा के भी चेक कर लिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कॉइल भी ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस लाइट सेक्शन में आपने देखा यहाँ पे कॉइल हमको ओपन मिला है और लोड कैप फुल शॉर्ट हो चुका है और जो डायोड था ये इसका डैमेज हो चुका था। तो तीनों कंपोनेंट्स हमने यहाँ से रिमूव कर लिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर नॉलेज है हम क्लास में आपको देते हैं कि कैसे आपको सारी चीज़ें चेक करनी है। अगर चाहे आप तो कंपोनेंट को भी चेक कर सकते हैं, पीसीबी के अंदर लगा हुए जब होते हैं जब भी चेक कर सकते हैं। तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, डीपली लेवल में इंटरनल सर्किट की नॉलेज हम क्लास के अंदर आपको देते हैं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइव हम क्लास में रिपेयर करते हुए, अगस्त बैच ऑलरेडी रनिंग है, 6 से 7 दिन उनके हो चुके हैं। काफ़ी सारा स्टूडेंट ने सिलेबस काफ़ी सारी चीज़ें सीख लिया है उन्होंने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बूस्ट कॉइल और लोड कैप और एक डायोड तीनों चीज़ यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस बीच में आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको आईफोन के काम में अगर इंटरेस्ट है, अगर आप आईफोन का कोर्स करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे नया कोर्स लॉन्च हो चुका है मास्टर ब्लास्टर कोर्स, जो कि आईफोन के अंदर आपको बेसिक से लेके एडवांस सीपीयू लेवल का काम सिखाया जाएगा। जहाँ पे फ्रेंड्स आपको 20 दिन की क्लास होगी और 10 घंटा डेली प्रैक्टिकल क्लास होगी, जिसमें आपको A8 से लेकर A14 तक सारे CPU डन करवाएंगे, प्रैक्टिकली सारा काम आप ही के हाथ से करवाएंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पहले से कोई काम नहीं कर रहे हैं या फिर बेसिक नॉलेज है आपके पास है मोबाइल की, अगर आप डिस्प्ले वगैरह कनेक्टर वगैरह CC जैक चेंज करते हैं तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे हम बेसिक से एडवांस लेवल का कोर्स होता है, रहने के लिए रूम फ्री होता है हमारे यहाँ पे और आपको कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। और इंडिया में सबसे नॉमिनल फीस हमने रखी है, सबसे कम फीस हमने रखी है, जो कि CPU मास्टर कोर्स है, जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, जिसमें फेस ID, फिंगरप्रिंट वगैरह एवरीथिंग आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे एंड्रॉयड में भी फ्रेंड्स ब्लैक पेस्टेड डबल डेकर A to Z कोर्स होता है। फोनफिक्स हैदराबाद में जो भी आप कोर्स करेंगे फ्रेंड्स, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कंप्लीट पैकेज मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सारे कंपोनेंट हमने लगा लिया है और एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं सारी चीज़, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, जो यहाँ पे शॉर्टिंग हमें मिल रही थी ये शॉर्टिंग हमारी जा चुकी है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़, क्योंकि फ्रेंड्स इसका डायग्राम नहीं है लेकिन फिर भी आप रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारी ट्रैक यहाँ पे सही है। तो चलिए हैंडसेट को ऑन करते हैं और ऑन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा आपको ज़रूर नीचे लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें, और किन टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं ज़रूर नीचे कमेंट में आप अपना कमेंट दें। और वीडियोस हमारे देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार हैंडसेट को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वापस से हम DC से कनेक्ट कर लेते हैं और ऑन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा लाइट प्रॉपर आ चुका है कि नहीं चुका है, नहीं आया है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लाइट प्रॉपर आ चुकी है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो ये Realme 6 का हैंडसेट है फ्रेंड्स, जिसका डायग्राम आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, बट फ्रेंड्स अगर प्रॉपर नॉलेज है तो आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो जल्दी से कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, फोनफिक्स हैदराबाद की टीम के साथ जुड़ जाइए और एक प्रॉपर टेक्नीशियन बनिए, प्रोफेशनल टेक्नीशियन आप बन सकते हैं।
तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।